अंतर जनपदी वाहन चोरों के नए गैंग का खुलासा। दो गिरफ्तार, 9 बाइक, 2 कटी बाइक के पार्ट्स बरामद। आजमगढ़ सुल्तानपुर अंबेडकर नगर जौनपुर के सीमा क्षेत्र में बाइक चोरी का मामला। आजमगढ़ के थाना पवई पुलिस की टीम ने वाहनों की चोरी करने वाले एक नए अंतर जनपदी गैंग का खुलासा कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी की 9 मोटरसाइकिल व 2 कटी हुई मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में बताया कि पवई थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह व SSI चंद्रशेखर सिंह टीम के साथ चेकिंग के दौरान राजेंद्र राजभर उर्फ राजू उर्फ पप्पू पुत्र राम सिंगार राजभर निवासी लोनरा प्रतापपुर थाना अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर को चोरी के वाहन संग पकड़ा था। अभियुक्त ने मोटरसाइकिल लगभग एक माह पूर्व शाहगंज तहसील से चोरी किया था तथा लोगों को धोखा देने के लिए फर्जी तरीके से नंबर प्लेट का कूट रचना करके दूसरा फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बेचने के लिए जा रहा था। अभियुक्त ने बताया कि वह मोटरसाइकिल चोरी करके पवई शीतला माता मंदिर के पीछे अभियुक्त राम बेचन बिंद पुत्र ठाकुर दीन बिंद निवासी दनियालपुर थाना पवई की कबाड़ की दुकान पर 5,000 रुपये में वाहन को बेचता है। यदि कोई सीधा सज्जन व्यक्ति मिल जाता है तो उसे भी नंबर प्लेट बदलकर बेच देता है। अभियुक्त ने बताया कि सुल्तानपुर अंबेडकर नगर जौनपुर जनपद से मोटरसाइकिल को चोरी करके राम बेचन बिंद पुत्र ठाकुर दीन बिंद निवासी दनियालपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को बेचा है। अभियुक्त राजेंद्र राजभर की निशानदेही पर राम बेचन बिंद की दुकान के बेसमेंट से 8 मोटरसाइकिल तथा 2 कटी हुई मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बरामद कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनते हैं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या जानकारी दी। देखिए, थाना पवई की टीम द्वारा बहुत अच्छा काम करते हुए एक अंतर जनपदीय चोरी के गैंग को, जो 2 सदस्यीय गैंग है, उनका आज पर्दाफाश किया गया है। इनके पास हम लोगों ने 9 मोटरसाइकिल बरामद की हैं और 2 मोटरसाइकिलों के पार्ट्स, चेसिस, शॉकर, रिम आदि बरामद किया है। इनमें से एक मोटरसाइकिल HF डीलक्स है, एक सुपर स्प्लेंडर है, एक हीरो सुपर स्प्लेंडर है, एक CD डीलक्स है, एक स्प्लेंडर प्लस है, एक सुपर स्प्लेंडर प्लस है। तो ये मोटरसाइकिल बरामद की हैं। कल दिनांक 24 सितंबर 2024 को थाना पवई पर यह गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिलें जो चोरी की होती हैं वो खरीदता है, जो कि पवई का ही रहने वाला है, जिसके यहाँ पे दबिश दी गई। दबिश के बाद इनके दुकान के बेसमेंट से हमको ये मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। कुछ मोटरसाइकिलें ये काट कर बेच चुका है और उनके पार्ट्स भी बरामद हुए हैं और मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। ये जो मोटरसाइकिलें मिली हैं उनमें से कई मोटरसाइकिलें अंबेडकर नगर से चोरी हुई थी, कई मोटरसाइकिलें जौनपुर से चोरी हुई हैं और सुल्तानपुर से भी चोरी हुई हैं। जो अपराधी पकड़े गए हैं उनमें से एक अपराधी पवई का रहने वाला है और पवई के ही बॉर्डर पर लगता हुआ सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र का दूसरा अपराधी रहने वाला है। इन दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ विस्तृत कर ली गई है और इनके पास से बरामदगी कर ली गई है। इसके बाद इनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। इनका पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है क्योंकि ये आज तक पकड़ा नहीं गया। अभी जब ये इसे पकड़ी गई है तो पूछताछ की गई है तो लगभग 9 मोटरसाइकिल इनके पास से जो बरामद हुई है उनकी अलग अलग FIR पूर्व से ही पंजीकृत है। लगभग 3 महीने से पुरानी भी FIR है जो पंजीकृत है, उनको भी हमने विवेचना का पार्ट बनाया है और उनकी सबकी बरामदगी कर ली गई है।